हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन का राजा। सलाम सत्यकाल, और कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिन बाद आपसे मेरी बातचीत हुई है, बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आपके सामने मैं आज ऐसी कॉमेडी वीडियो पर रिएक्शन दूंगा जिस पर आपको काफ़ी हंसी आएगी और मज़ा आएगा। ऐसा होता है लोगों के साथ, तो आपकी भी हंसी जो है रुकेगी नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो ज़रूर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मेरी मिल पाए और मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ मेरा रिएक्शन देने का है, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का। तो आइए चलते हैं। बिगड़ रही थी कि बीच में एंट्री हुई हमारे इंडियन सुपर हीरो की। नशे में धुत ये आदमी दोनों गाय को लड़ने से रोकने लगा। लेकिन सुपर हीरो का दांव उसी पर उल्टा पड़ गया और अब गाय ने उसे मार कर उछाल कर उसे नीचे बना दिया। बेचारे की तशरीफ ऐसे चूर चूर हो गई कि वो वहीं बैठ गया। नशे में धुत ये दो आदमी जिस तरह से लड़ रहे हैं उसे देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये भारत के किसी गांव का वीडियो है, क्योंकि इनका लड़ने का स्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों कराटे या फिर बॉक्सिंग सीख के आए हैं। लेकिन डांस के साथ साथ फाइटिंग, ये कौन सा तरीका भाई? आखिर उन्हें एक महिला ने आकर वहां से भगा दिया, वरना पता नहीं ये कब तक वहां पर ऐसी हवा में फाइटिंग करते रहते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। नशे में गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है, क्योंकि इंसान को खुद का ही होश नहीं रहता तो वो गाड़ी क्या चलाएगा। लेकिन भैंस पर सवार होना किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं है, जो इस आदमी को शायद बखूबी पता है। इसलिए उस आदमी ने उस पर सवार बैठा ही नहीं बल्कि उल्टा बैठ गया। भैंस आम तौर पर बहुत शांत स्वभाव की होती है, पर भैंसे का कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये आदमी उस पर आसानी से बैठ गया, वरना अगर ये कोई बैल होता तो उस पर बैठना तो दूर, वो इस आदमी को खड़े होने लायक नहीं छोड़ता। बात अगर हमारे देसी बेवड़े भाइयों की करें तो उनके आगे विदेशी बेवड़े भी पानी भरते नजर आते हैं। अब होली का त्यौहार हो और वो बैग ना हो, ऐसा बड़ा कैसे हो सकता है? मगर इन दो बैग मारने के बाद क्या होता है ये आप ही देख लीजिए। आपने जानवरों को आईने में देखकर लड़ते हुए या गुस्सा करते हुए जरूर देखा होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने के और जानवर हैं। लेकिन इन अंकल ने तो पीने के बाद उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। पहले तो आईने को जाकर धड़क गए और सामने वाले इंसान से जा टकराने के लिए गुस्सा होने लगे और उससे बात करके उसे बाजू से जाने के लिए कहने लगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो सुबह तक ऐसे ही करते रहेंगे, तब भी वो कहीं नहीं जाने वाला। भाई साहब आईने में खुद को ही देखकर खुद को ही रास्ता दे रहे थे और सोच रहे हैं रास्ता देने के बावजूद भी ये आदमी ये जा क्यों नहीं रहा है। लेकिन उसे अपनी बात न मानते हुए देख ये उस पर गुस्सा हो गए और उसे धक्का देने लग गए। अब अगर सुबह उन्हें कोई ये वीडियो दिखाए तो उनका क्या रिएक्शन होगा पता नहीं। ये आदमी भी उसी कैटेगरी में ज्यादा पीछे नहीं है, जो रास्ते पर एक चौराहे के बीच बनाए पुतले से बातें करता दिखाई दे रहा है और उन पे चिल्ला रहा है। और इस आदमी को देखकर ऐसा लगता भी है कि वो काफी गुस्से में भी है। जिस तरह से वो उन पुतलों पर चिल्ला रहा है, ऐसा लगता है भाई साहब यहाँ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पुतले के कान के नीचे भी बजा दिया, वो लगा दिया भाई। जैसा कि इस आदमी को ही देख लीजिए, जो जमीन को तालाब समझकर मछली बन रहा है, वो भी याद कर दी लोगों ने वो आगे जा रहा है। इंसान सबसे ज्यादा बहादुरी वाला काम शराब के नशे में ही करता है, जिसका एक नमूना आप अभी देखने जा रहे हैं। ये आदमी नशे में पूरी तरह से धुत होकर नदी के किनारे एक मगरमच्छ के पास आकर उससे बातें करने लग गया। आसपास के लोगों ने जब उस मगरमच्छ को देखा तो उस आदमी को आगाह करने की कोशिश की और उसको बता रहे थे कि पीछे आ जाइए। लेकिन वो लगातार उस मगरमच्छ से किसी गहरे दोस्त की तरह बात कर रहा था। और लोगों को भी ये कह रहा था। तो गाइस, देखा आपको कितना मज़ा आया इस वीडियो में, और काफ़ी फनी वीडियो थी ये, और इस पर रिएक्शन भी काफ़ी अच्छा रहा हमारा कि हम इसको देख के ऐसे आपको लोग हंसी आई होगी, आपकी थोड़ी कैरली बर्न हुई होगी।
तो हंसी तो मेरी रुक नहीं रही है वाकई में यार, बहुत ही मज़ा आया इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को आगे शेयर जरूर कीजिए, अपने फेसबुक पे कमेंट्स वगैरह डालिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके। आप लोग भी, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो जितने व्यूवर्स हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिएक्शन का राजा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बत है।